फ्रेंड्स, आज मैं एक रैंडम टॉपिक के बारे में आलोचना करने वाले हूँ। महाविद्रोह 1857 का अब इतिहास हिस्ट्री में जरूर पढ़ा है, तो इसके बारे में बात करूँगा। इसका शुरुआत हुआ था 1857 में बैरकपुर में। यह प्रत्यक्ष कारण भी अब भी पता है, जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूज यूज़ किया जाता था उसमें गाय और शुकर का चर्बी यूज़ किया जाता था, जो धर्मनाश के हित का कारण होता था हिंदू और मुस्लिम सिपाही के लिए। तो वो रेबेलियन करता है, विद्रोह करता है। वो आफ्टर नेक्स्ट टाइम्स ए विद्रोह और भी स्प्रेड करता है, कानपुर, दिल्ली, फैजाबाद, बिहार, पटना, झांसी, आसाम और बहुत स्थान में स्प्रेड करता है। लेकिन इसमें सिर्फ मूलतः सिपाही लोग ही ज्वाइन किया था, आसपास की जनगण ज्वाइन किया था सर, उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ जगह में जनगण लोग इसमें इंटरेस्टिंग नहीं था। और भी जानना चाहता है तो ये बोलना चाहूँगा, जो मध्यवित्त है, मिडिल क्लास और एडुकेटेड पर्सन, वो ब्रिटिश को नहीं घाटा जा सकता था। उसका नौकरी जो जाने का डर था, सो वो रेबेलियन का विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया, वो विरोधिता किया। तो क्या हो रहा है विरोधिता किया। और लास्ट एक टॉपिक बोलूँगा, जे लास्ट में ये सिपाही विद्रोह व्यर्थ हुआ था, लॉस हुआ था, बिकॉज मराठास, गोरखास और गायकवाड, राजपूत सेना, वो ब्रिटिश को हेल्प किया था वो विद्रोह दमन करने में, और देशीय जनगण के सहायता नहीं था। और मोरोभर ये मूलतः सिपाही का विद्रोह था, गुरुत्व इतना भी गुरुत्व नहीं मिला था इसको। और भी जानना चाहता है तो जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जे इसके बाद 1858 में महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ और मधु का प्रलेप दिया था, जो सत्य विलोप नीति बाध्य पड़ेगा, जो देशीय राजन वर्ग को नियम माना जाएगा, बंधुत्वपूर्णता स्थापन किया जाएगा, बट वो नहीं किया गया। वो संपन्न भ्रांत है ब्रिटिश लोग, ये निश्चित खाता किया। सो ये वीडियो आपके लिए कितना एडुकेटिव लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे एडुकेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।